व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना एक स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें बच्चे पढ़ने आएंगे, और जब हम लोग उससे पैसा कमाएंगे तो हम लोग अपने स्कूल को अपग्रेड करेंगे। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये मेरा छोटा सा स्कूल है। इसके आगे कुछ लिखा हुआ है बाय दिस स्कूल फॉर $100। अगर हम लोग ये स्कूल खरीदना तो $100 देना पड़ेगा, और पुट द मनी हियर, हमें मनी को इधर डालना पड़ेगा। तो हम लोग के पास तो अभी मुझे दिख तो नहीं रहा है मनी कहाँ से, और जो हम लोग का स्कूल है वो भी छोटा है, इसीलिए हम लोग को $100 में मिल जाएगा। वरना ऐसे ऐसे तो हम लोग को $1000 में मिलता। लेकिन एक सेकेंड, ये कौन है? तो गाइस, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। अगर इसके घर में होगा पैसा तो हम लोग को जाके इसके घर से चोरी करना पड़ेगा। मस्त प्लान है। अभी तो ये अंदर गई है, देखा जाए इसका पैसा कहाँ होगा। होना तो चाहिए क्योंकि घर भी इसका लिया हुआ। ओ, जा रही ऊपर गई। आराम से हम लोग ये गेट खोलते हैं, इसको बंद करते हैं, और ऊपर लगता है ऊपर जाते हैं। नहीं, एक मिनट, चेस्ट था ना यहाँ पर, कुछ नहीं है। नीचे में तो होगा भी नहीं, क्योंकि नीचे में रखेगी तो ऐसे ही चोरी हो जाएगा। कहाँ गई? एक मिनट, इसका घर तो बड़ा है, यहाँ पर गेट है बहुत सारा। बाकी आगे जाते हैं तो यहाँ पर क्या है? अरे यहाँ पर बैठी हुई है। भाई 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 भाई, और हम लोग देखते हैं इसका गेट। रुक जाओ एक मिनट, पीछे वाला देख लेते हैं पहले। इसको देखते चेस्ट में कुछ नहीं है। यार ये गरीब नहीं ना, मेरा लॉल हो जाएगा। फिर लाइट जलाते हैं, अंदर घुसते हैं। इसमें तो रखा हुआ है। ओह माय गॉड, जल्दी इसको चोरी कर लेते हैं, अच्छा मौका मिला है। भाई कितना, $150। गेट बंद करो, लाइट ऑफ करो, मुझको शक हो जाएगा। ओ मम्मी भागो, जल्दी 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 गेट बंद करो। भाई साहब, गाइस हम लोग को $150 मिल गया। तो गाइस अब हम लोग अपने स्कूल को परचेज कर सकते हैं, लेट्स गो। जहाँ पर अब डालने के लिए बोलो तो वहाँ पर डाल के देखते, प्लीज यार मेरा स्कूल खुल जाए। एक और दूसरा, ओ माय गॉड गाइस खुल गया अपना स्कूल, लेट्स गो। एक बार अंदर से जाके देखते हैं। ओ भाई लाइट भी लगा, अच्छा है भाई, मजा आया। गाइस है तो अच्छा स्कूल, यहाँ पर कैंडल भी मैंने बुझा दिया। हम लोग के स्कूल में बहुत सारे सामान लाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग लाएंगे यहाँ पर चेयर लाएंगे, टेबल लाएंगे, और ये हम लोग का बैठने का जगह, और ब्लैक बोर्ड भी लाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। तो अब देखते हैं, बाहर से देख के आते हैं। हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं पार्क, बच्चे लोग खेलेंगे यहाँ पर, अच्छा लगेगा। और थोड़ा और आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। एक सेकेंड, ये तो कुछ तो लग रहा है कोई घर टाइप का, जल्दी से गाइस जाके देखते हैं। गाइस मैं आ तो गया हूँ, ये घर ही टाइप का छोटा सा लग रहा है, और देखा जाए क्या है। ओ शॉप है ये, भाई 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 हम लोग के सामान रखने के लिए डोर, $4। ओ माय गॉड, ऊपर चलते हैं, कोई है क्या यहाँ पर? हेलो भैया अंकल, हेलो। हेलो, आपको स्वागत है हमारी दुकान में। ओ थैंक यू अंकल। अंकल आपके यहाँ बहुत सारे सामान दिख रहे हैं, आप एक बार दिखाइए क्या क्या है। ओ अच्छा, यहाँ पर कितने का है चेयर? $5 का चेयर है, ओके अच्छा है। और ये बुक शेल्फ, ये $2 का, ओके। गाइस मैं इनसे सारा सामान देख के आपसे मिलता हूँ, ये ब्लैक बोर्ड है, और सारा सामान ले भी लेता हूँ। अभी तो गाइस मैं नीचे ये दिखा रहे अभी अंकल जी, यहाँ पर डोर है इतने का, और इधर भी देख ही लेते हैं। ओ माय गॉड गाइस, मुझे भी एक बहुत अच्छा चीज़ मिला। गाइस एक गोल्डन स्केल है, मज़ा आएगा बच्चे लोग को पीटने के लिए। अंकल इसमें थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है? तो गाइस मेरी अंकल जी से तो बात हो चुकी है, और मैंने इन्हें पैसे भी दे दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि जितना भी सामान है वो मुझे नहीं देंगे, ये डायरेक्ट जहाँ पर मेरा घर है या स्कूल है वहाँ पर जाके अपने से लगा देंगे। तो मैंने अंकल जी से पूछा कि वो अच्छे से लगाएंगे? हाँ, तो अंकल जी ने बोला हाँ सही से लगाऊंगा। तो अंकल जी मैं अभी आपको अपना स्कूल दिखा देता हूँ, मेरा स्कूल में आपको एकदम सही से लगाना है, जिस पर सब कुछ एडजस्ट करके, वो है मेरा स्कूल वहाँ पर सामने वाला। हाँ चलिए चलते हम लोग वहाँ पर से एक बार देख के आ जाते हैं। अंकल थोड़ा एकदम सही से लगाइएगा। तो गाइस ये मेरा स्कूल, अंकल जी आप भी देख सकते हैं मेरा स्कूल है, एकदम खटारा सा स्कूल है। इसमें आप अच्छे चेयर टेबल लगा दीजिए, ब्लैक बोर्ड लगा दीजिए, और ये मेरा एकदम छोटा सा अंकल, इसको थोड़ा कुछ बड़ा करना हो तो कर दीजिए, ठीक है अंकल? थोड़ा पैसा मत ज़्यादा लीजिएगा, ओके। गाइस मैं सिटी से तो घूम फिर के आ गया, बस वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे उससे कोई शौक नहीं है। और यहाँ पर अंकल हैं, गेट कैसे लग गया है यहाँ पर? गेट तो मैंने नहीं खरीदा था, एक बार अंकल से पूछते हैं अंदर। ओ भाई टेबल चेयर, ओ ब्लैक बोर्ड, भाई साहब
क्या अंकल जी ने लगाया मेरी चेयर? ओ भाई यहाँ पर एकदम स्टिक क्या लग रही है अंकल, मज़ा आ गया। और पीछे देखते, ओ माय गॉड पेंटिंग भी मैंने खरीदा था, हाँ मुझे अभी जाके याद आया, अच्छी पेंटिंग है अंकल, बड़ी पेंटिंग, थैंक यू लगाने के लिए। और ए ये क्यों है अंकल, ये क्यों मिला मुझे? ओहो अच्छा गाइस, बाय वन गेट वन फ्री है, इसीलिए वो अंकल जी ने शो पीस के लिए लगाया। और अंकल थैंक यू, आपने एकदम सही काम किया। अब इससे गाइस मैं मारूँ अंकल जी को, मार दूँ? नहीं नहीं सॉरी अंकल, हाँ इसको गेट को क्यों लगाया आपने? ओह गाइस ये कह रहा कि एक ऐसा गेट है जिसको आप अगर रात में छोड़ी गए तो ये लॉक करने का है, तो इसको लॉक कर ही के मैं जाऊँगा, हर बार इसको बंद कर देता है अभी। और अंकल थैंक यू, आपने इतना अच्छा काम कर दिया मेरा। और ठीक है अब आप जा सकते हैं, मैं अपना स्कूल एक बार अपना अंदर से देख लूँगा। वैसे अंकल आप एक चीज़ बताइए, आपका घर किस साइड है? ओहो उस साइड है गाइस, ये इनका घर है और लगते हैं फार्मर भी लग ही रहे हैं, और इन्होंने अपना एक स्कूल भी खोल, ये शॉप भी खोला है, तो अच्छा है अंकल जी ने काम भी सही किया है, इसके लिए अंकल जी ने फ्री में अपना काम किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू अंकल, अब आप जा सकते हैं अपने शॉप में, अंकल जी चले गए हैं गाइस। तो गाइस अभी मैं वेट करता हूँ किसी के आने का, जब कोई आएगा तब मैं आपको बता दूंगा गाइस। One eternity later. तो गाइस मैं वेट कर रहा था गाइस, ये कौन है? हैं ये अंकल जी, यहाँ पर कैसे आ गए ये बच्चा? भाई 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 अंकल जी आप ही, आपका बेटा है ये? ओ बहुत शरारती लग रहा है, पेंटिंग ना पीछे तोड़ दे वो वाला। हैं अंकल जी आप बताइए, आप यहाँ पर कैसे, उसको कैसे लेके आ गए? गाइस अंकल जी से मेरी बात हो चुकी है, अंकल जी कह रहे हैं कि इन्होंने जब सेट किया स्कूल तो इन्हें लाया कि थोड़ा इस स्कूल में मेरा, इनका बेटा नहीं पढ़ता था कोई भी स्कूल में, तो सोच रहे थे कि इस स्कूल में करा दें। और आपको अंकल जी मैं डिस्काउंट देता हूँ 60% का, मैं आपको 40 देता हूँ, $40 आपका मंथली इनकम, मतलब मंथली फीस होगा। गाइज मैंने ऐसे तो रखा था $60, लेकिन अंकल जी ने इतना काम किया था तो $40। बच्चा पता नहीं पगला आ रहा है। गाइज अंकल तो चले गए यहाँ पर, वो वाला जो बच्चा है गाइज आया वहाँ पर, वो वाला बच्चा बैठेगा। हेलो हैं इग्नोर, हेलो भाई भाई इधर हूँ मैं, ओए ओए भाई इधर, हाँ हाँ हेलो हेलो हैं, तुम बस स्टूडेंट ही आए कैसे? पापा मम्मी कहाँ है? गाइस के पापा मम्मी जी से मेरी बात हो गई, पता नहीं कहाँ जा रहा है। अरे भाई इसको पता नहीं, ज़्यादा लगता है कुछ तब है ना कि इग्नोर मारा आते के साथ, ये बड़ा अजीब लगा, पता नहीं गाइस जी कहाँ गया, इसका वेट करते बोला मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। तो इसके पापा मम्मी से बात हो गई, ये एडमिशन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है कर देते हैं। गाइस आ गया भाई, तुम कहाँ चले जाते हो यार एक एक मिनट में, हैं इतना देर से मैं वेट कर रहा था, इसने एक मिनट बाद 2 मिनट लगा दिया। यार तुम ना स्टूडेंट अच्छे से रहना ठीक है, कहाँ है भाई? भाई भाई ओ भाई 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 हैं तुमने अभी फीस दे दिया? अरे भाई थैंक यू वेरी मच भाई साहब। गाइस मुझे $60 इसने अभी के अभी दे दिया। अब ठीक है तुम जा सकते हो, तुम आना अगले बार अगले दिन से, ठीक है स्कूल आना शुरू कर देना, पापा मम्मी को बोल देना, ठीक है जाओ तुम्हारा एडमिशन हो गया, बाय बाय। ओ माय गॉड गाइस इसने दे दिया $60 अभी ही, मम्मी भाई 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 हम लोग गाइस अमीर हो गए, लेट्स गो। अब कल का वेट करते हैं, कल स्कूल स्टार्ट होगा तो देखा जाए कैसे क्या होता है। गाइस स्कूल का दिन आ चुका है, पता नहीं अभी तक तो कोई आया नहीं है, सुबह तो हो गया, उधर से भी अभी तक कोई नहीं आया, इधर से भी है। गाइस कोई तो आ रहा है, दोनों आ रहा है उछलते उछलते, ओ माय गॉड जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आओ, ये अमीर वाला कुछ ज़्यादा ही तेज दौड़ता। आओ हाँ आओ सबको आओ सबको आओ, वो कहाँ पीछे रह गया उसको भी बुलाओ, ओए भाई हाँ आओ जल्दी आओ, बैठो अपने सीट पे बैठो। गाइस मैं इन लोग को पढ़ा देता हूँ पहले, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग ABCD पढ़ेंगे, ठीक है? और तुम भाई तुम बताओ ABCD सुनाना है, ठीक है सबको? यहाँ पर ABCD मैं लिख रहा हूँ, सबको अच्छे से याद रखना, ओके? कल मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है? अब तुम बताओ ये क्या होता है, इसको ऐसे, ये जो ये ऐसे सर्कल होता है इसको क्या बोलते हैं?
है, बताओ तुम लोग। गाइस मैंने इन लोग को तो पढ़ा दी है, दोनों को समझ में भी आया। छुट्टी, जाओ छुट्टी हो गई, भागो भागो। ये गाइस पागल हो गया पता नहीं क्यों। जाओ 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 जाओ, अगले दिन आना तुम लोग। ओके चलो बाय बाय। गाइस पता नहीं पगला रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसको पता भी नहीं है घर कहाँ पर अपना। गाइस मैं तो थोड़ा सा गया था घूम के आया, दूसरा दिन तो हो चुका है। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा और अंदर आओ, एक सेकेंड गाइस, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ अंदर, जल्दी बंद करो गेट। एक चीज़ तुम बताओ, तुम्हारा दोस्त कहाँ है वैसे, हैं? मेरा दोस्त आज नहीं आया, उसको तुम देखे थे क्या? गाइस आज मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने मैथ्स तो पढ़ा दिया, एंगल मैंने पढ़ाया, इसको समझ में भी आ ही गया थोड़ा मोड़ा, हैं? आया समझ में? ठीक है चलो, हैं? अरे भाई 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 भाई, ये कौन है? हेलो, क्या ये मेरा स्कूल है? हैं? ये तुम्हारी बहन है? क्यों, क्या हुआ बताओ, जल्दी बताओ मुझे। गाइस मेरे इनसे बात हो चुकी है और इन्होंने कहा है कि इमरजेंसी कुछ, तो इन लोग चले भी गए। गाइस एक से मुझे कुछ ना तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि वो भी आज नहीं आया और ये भी चला गया। एक बार इन लोग का पीछा किया जाए, लोग जा कहाँ रहा है जंगल में, हैं पता नहीं। एक बार गाइस इन लोग का पीछा करते और देखते हैं। गाइस आगे जा रहे हैं इन लोग, बच्चा भी जा रहा है छोटा वाला, उसकी बहन भी है पता नहीं। ओ भाई बहुत डरावना लग रहा है। अरे भाई 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 भाई, इन लोग गया अंदर, गया अंदर गया। ये क्या चीज है साइड साइड में, हॉरर, ये पोर्टल है सामने में भाई साहब। गाइस अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा। नहीं,